और परीक्षित जी कब हो लड़की की शादी करने जाओ तो दो चीजें जरूर देखना, एक घर और दूसरा बर। आजकल घर अच्छा है तो बर नहीं अच्छा है, बर अच्छा है तो घर अच्छो नहीं है। और जे खेती भले लड़का के कम हो परीक्षित जी, लेकिन एक चीज जरूर देखना, अगर तुम्हारी लड़की अड़ी है तभी देखना पढ़ा लिखा लड़का, अगर लड़की पढ़ी नहीं है तो बिल्कुल मत देखना पढ़ा लिखा लड़का। क्यों? बिना पढ़े की बात बताएं। बाबूजी एक फौजी में थे और उनकी शादी रिश्तेदारी से हो गई और लड़की बहुत सुंदर थी लेकिन बेचारी अंगूठा छाप थी। और जब शादी हुई गई बाबूजी दो तीन दिन रहे बे तो चले गए फिर, और जब तीन चार महीना बाद लौट के आए तब तो मुझे बड़ी गाल फुले घूमे। बाबूजी बोले काए इतो काए गुस्सा मंगन, अरे बात करो मुझसे, यहां चले आओ यहां से। बाबूजी बोले का बात है, बात बतायो महारानी। कती यहां सब साड़ी लाए सब लाए अपनी अम्मे दया हमें कछु दया है, हमसे बात मत करो। बाबूजी बोले तुम्हारे तीर क्या नहीं है बताओ, वो हम ले आएंगे बताओ तुम। कती हमारे तीर न चुरी आए न बिची आए न लाली न कछु नहीं रोई हो है, क्रीम पाउडर टेंटिंग पेंटिंग कुछ भी मेरे पास नहीं है, है। बाबूजी बोले तुम ऐसा करो बोल दो हम सब लिस्ट बना ली सब ले आएंगे शाम को। बोले लिस्ट नहीं बना ली हम तुम्हारे संग चलवे, बहुत दिन से समोसो नहीं खाए हमने और समोसो खाए हैं लेकिन मुंह नमकीन करे हैं। बाबूजी बोले पागल हो गई का, ए तुम्हारे पास जो सामान नहीं है बोल दो और हम सब लिख लेंगे शाम को आ जाएगा। बोले लिखना है दो हम संग चले। बाबूजी बोले संग तो बुलाए चलते लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी है। बोले कौन सी? बोले तुम तो अंगूठा छापो और हमारे बाजार में दोस्त मिलेंगे वो इंग्लिश में बात करेंगे और तुम्हें शुद्ध हिंदी नहीं बुलबो आउते तुम कहीं नहीं जाओगी। बोली ये बुलाए ले चलो तो बुलाए ले चलो नहीं तो नौकरी पक्की करवाए दी। परीक्षित जी भीख मक्कर की नौकरी टक्कर की मेहरिया चक्कर की। बाबूजी मेहरिया के चक्कर में पड़ी गए। अब बाबूजी घबराए गए कुए सोना हो जब फांसी लगा ले। बोली हाय पहले नहीं देखा रहे हम पड़ी हैं कि नहीं पड़ी हैं तो काय कर लाए ब्याह हमारो, अब का तुम पड़ी नहीं हो जाओ ना ए ले चलो तो ले चलो ना जब फांसी लगा ली मैं नौकरी पक्की हुई है जाना छुट्टी नहीं पे हो भैया तुम जा चौ दे दे। अब बाबूजी घबराए गए बोले जल्दी तैयार हो जल्दी तैयार हो। अब तैयार हो के आई अब मोटरसाइकिल पे बैठ गई। बाबूजी बोले चल तो रही हो खूब हिटलराइन बन के, अगर कोई तुमसे बाजार में ये पूछ दे ये तुम्हारे कौन कहती अरे हम जा कहती जो मेरे आदमी है और कौन है। बड़ी पागल हो गई है ऐसे नहीं बात की जाती है, अगर कोई तुमसे जा पूछे जे तुम्हारे कौन है तो तुम कह देना का कहो बताओ। बोले बताए दे अबे फिर तुम चिल्लाने लगे। बाबूजी बोले ये कहोगे ये मेरे हस्बैंड है हस्बैंड। बोले ठीक है और अगर कोई उल्टा पूछे दे तुम इनकी कौन हो कह देना वाइफ। बोले ठीक है। अब काती कोई पूछ जय रटती जाती पूरी रत्ता कोई पूछ दे जे कौन है तो कह दी हस्बैंड हम वाइफ हस्बैंड वाइफ। अब दुकान पे पहुंच गई एनपुरी पहुंचे बाबूजी बहुत भारी दुकान पे कहने लगे जाओ तुम्हें जो भी है ना इसमें चली जाओ ए शॉपिंग मॉल है हर चीज मिलती है यहाँ हर चीज जो भी लो तुम। अब जे घुस गई अब सबसे पहले दुकानदार से कही साड़ी दिखाओ। दुकानदार ने 500 वाली साड़ी दिखाई। बोलिए नहीं महंगी दिखाओ का जो कूड़ा कबाड़ दिखा रहे हैं। दुकानदार ने साड़ियां दिखाना प्रारंभ की 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 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
अंदर नहीं आओ। दुकानदार बोलो एक बात बताए, जब बाजार करने आया जाता है तो काऊ ना काऊ को संग ले लो जा, तुम काऊ को संग लाई हो? बोले हाँ। बोले किसको लाए? बोले बे मेरे संग आए, ये बे मेरे संग आए। बोले कौन कहाँ है? बोले बे सामने बैठे कुर्सी पे। अब दुकानदार ने बे बात पूछ दी, बे तुम्हारे कौन है? अब जो चक्कर पड़ेगी कदी हमारे, हाय बतावा राय, अब तो हम सब भूल गई, हाय कहा बतावा राय, कहा बतावा राय। ई बोले हाय ये तुम्हारे कौन है? कहती ई हमार, ई हमार। दुकानदार कहने लगा ई कर रही हो, ये नहीं बता रही हो कौन है?
टाटी ये हमारा हेड पंप है हेड पंप। दुकानदार हसन लगो कर हसत का भी मेरे हेड पंप में उनकी पाई। तो आजकल पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा महत्व है। अगर लड़का कड़ा हो तो ही लड़की करना पड़ी, अगर लड़की पड़ी है तो ही ढूंढना लड़का पड़ा, अगर लड़की पड़ी नहीं है तो मत देखना पड़ा लड़का।